Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. अभी हम हैं रिक्शा में, वी आर गोइंग टू विलेज। ऐसा सो जाओ तुम। गाइस, तो मैं अभी इतने अंधेरे में यहाँ पे रुका हूँ घटना दूर में। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। चाहिए गाइस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका। लो गाइस, गाजर कटिंग हो रहा है। तो मसाले पर गाइस, ये हुआ रहा है धनिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धनिया। तो गाइस, हमारे मसाले वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। ये जा रहा है उसमें टमाटो। तो गाइस, अभी हम इसमें मैगी के पैकेट डाल रहे हैं, देख लीजिएगा। तो गाइस, अभी इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। गाइस, तो देख लो, हमारा मैगी जो है पक चुका है अभी बस। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम किशोर है और किशोर नेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, है 21 में, तो आज मैं निकलने वाला हूँ गांव के लिए, परौली के लिए। तो गाइस, अभी एक 4-5 दिन हो गए कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं आए हैं, तो आज मैं ब्लॉग शूट करूँगा थोड़ा सा। और कल का भी मेरा एक प्लानिंग है, तो बहुत सारा मैगी मैं बनाने वाला हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सामान भी लिया है मैगी के लिए, कुछ कुछ सामान लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है सामान थोड़ा सा मिलता नहीं है गाइस गांव में। तो मैंने गाजर जो है, गाजर तो बिल्कुल वहाँ पे मिलता नहीं, तो गाजर भी लिया है। और प्याज वगैरह वो भी मैंने लिया है। और हरी मिर्च का भी थोड़ा सा दिक्कत आता है। और बहुत सारा मैगी लिया है, वो भी मैं अभी कल बनाने वाला हूँ, तो उसको हमको यहाँ से ही ले कर जाना पड़ रहा है। तो गाइस, मैंने क्या क्या सामान लिया है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। डिमार्ट में गया था, डिमार्ट में मैंने मैगी वगैरह लिया है। मैगी थोड़ा वहाँ पे सस्ता मिलता है, 1-2 रुपये सस्ता मिलता है, तो वहाँ से थोड़ा सा सही लगा मेरे को लेने के लिए। और गांव में थोड़ा मिलता ही नहीं है मैगी, जो कि ओरिजिनल मैगी रहता है वो मिलता नहीं है। तो क्या क्या मैंने लिया है अभी कल मैगी बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे पकड़ना, ये कैसे दोन गए थे? तो गाइज, इस बैग में पूरा मैगी है, मैं अभी एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो देख लीजिएगा। ये देख लो, इसमें मैगी है, मैगी के पूरे पैकेट हैं। ये रहा एक, ये दो, तीन, ये रहा चार, ये रहा पांच, ये रहा छह, ये रहा सात, ये रहा आठ, ये रहा नौ, ये रहा दस, और एक है शायद इसमें 11। तो गाइस, ये 11 मैगी का पैकेट मैंने लिया है, तो उसमें मसाला भी वो रहेगा उस मैगी का। इसमें कुछ लिया है, हरी मिर्च है, दिखाता हूँ मैं। कोल्डर नहीं यार, ये देख लो। हाँ, इसमें है गाजर, ये बहुत मेन चीज़ है क्योंकि गांव में मिलता ही नहीं है, ये भी लिया है। और इसमें क्या है, ये ले लो, ये देखो हरी मिर्च,
लगभग पूरा सामान लिया है मैंने यहाँ से। और यहाँ पे देखो इसमें पैच, ये देख लो ये रहा पैच। तो इतना सामान मैंने लिया है, तो अभी इसको फटाफट पैक कर लेते हैं। अभी ट्रेन है हमारा 7:30 को, तो आधे घंटे पहले कोशिश करेंगे जल्दी जाने के लिए। गाइस तो अभी हम हैं रिक्शा में, तो वी आर गोइंग टू विलेज। अभी टाइम पे हमको रिक्शा वगैरह मिल गया है, अभी हमको 7 बजे तक पहुँच जाएगा, 7:05 बजे तक टाइमिंग दिखा रहा है। गाइस अभी हम निकल चुके हैं, अभी चल रहा है धीरे धीरे, आधे घंटे पहुँच जाएंगे। गाइस अभी ये जो ट्रेन है डॉन पे रुक चुकी है, और यहाँ पे ये चाचा है, उनको जाना है नांदेड़। बैठ बैठ ऐसा सो जाओ, तुम सो गए तो अभी टेंशन नहीं है।
नांदेड़ वाली किधर गई आप? अंधेरे में यहाँ पे रुका हूँ घटना दूर में, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे रुक गई थी, यहाँ से हमको पास में पड़ेगा। तो अभी हम बैठ चुके हैं रिक्शा में, देख लीजिएगा पूरा अंधेरा है यहाँ पे। देखो अभी रिक्शा कब निकलेगा पता नहीं, देखेंगे। तो गाइस ये है रिक्शा, देखते हैं अभी बज रहा है 5:10 हो चुके हैं, तो अभी कब निकलेगा क्या नहीं देखते हैं। रिक्शा वो यहाँ पे भी एक रिक्शा खड़ा है, ये देख लो। अभी और कोई कस्टमर नहीं है इनके पास, हम दोनों ही हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम लगाता है ये। गाइस तो अभी बज रहे 5:30 बज रहे हैं, देख लो एकदम उजाला हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि दिन यहाँ पर जल्दी निकलता है। ये देख लो 5:30 ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो आज हम जा रहे हैं चलते हैं, क्योंकि रिक्शा जो है उसको बहुत टाइम लगेगा, देख लेते बस वगैरह रहेगा तो। बहुत जल्दी उजाला हो चुका है गाइस, ये देख लो। तो ये रहा पीछे एक स्टेशन है, पीछे यहाँ पे स्टेशन है, देख लो। ये देख लो नज़ारा, बहुत ही मस्त ठंडी हवा चल रही है अभी, अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, सुबह चाय पी के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मुँह वगैरह धो लिया था यहाँ पे, तो ये देख लो चाय, देख लो चाय गाइस, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका, क्योंकि गाँव का टेस्ट बहुत ही अलग रहता है। ये प्योर दूध का बनाते हैं यहाँ पे चाय, ये देख लो, और सस्ता भी है, 7 रुपये की एक चाय है। तो गाइस ये जो है घाटनांदूर का चौक है, ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे नाम दिया है चौक को, देख लीजिएगा झंडा वगैरह कितना बड़ा है। तो ये वीडियो का अभी दूसरा दिन है, तो आज मैं गाँव में हूँ, तो सुबह में पहुंच गया था। तो आज मैं बनाने वाला हूं गाइस मैगी, जो भी मैगी मैंने लाया था तो उसका हम मैगी बनाने वाले हैं, और यहां पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम खिलाने वाले हैं, क्योंकि हम तो खाते ही रहते हैं, मगर अभी से हम जो भी हम बनाएंगे वो सब बच्चों लोगों और यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हीं को खिलाने वाले हैं। तो गाइस मैं अभी लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ, तो ये रहा हमारा ये पातेला, इतना बड़ा पातीला लिया है, और भी कुछ सामान आ रहा है। तो ये हमारे घर के पास में ही है लोकेशन, क्योंकि अभी दूर नहीं जा रहे हम, तो देख लीजिए हमारा जो लोकेशन। ये गाइस हमारा लोकेशन यहाँ पे, ये बाबुल का पेड़ है, तो यहीं पे हम बनाने वाले हैं। सही लगा ये लोकेशन? तो गाइस ये जो है पातीला है, देखो। तो मैगी के पूड़े भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये पातीला सही रहेगा। और ये है छोटा सा टोकरी है, ये भी सही है अभी। तो ये देख लीजिए, एक हमारा मेहमान आ गया है, बच्चा बोल कहीं तरी काय खाए से काय से काय क्या बोल रहा है बोल। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है चूल्हा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेत था तो सही है, रेत वगैरह, और यहाँ पातेला। तो गाइस चूल्हा जो है रेडी हो चुका है, देख लीजिएगा अभी। गाइस हमारा जो मैगी है देख लो,
तो अभी हम उसको निकालने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल वगैरह है हमारा। ये देखो सर मैगी, तो एक जगह पे निकालने वाले हैं। तो गाइस देख लो ये हमारे मैगी के पैकेट, पूरे 10 पैकेट्स हैं। और ये रहा हमारा मटेरियल। तो गाइस ये हो रहा है कटिंग पैच का। तो गाइस इसमें रहा मटेरियल हमारा, देख लो। खोल रही, खोल तो गाइस तो ये लहसुन है, तो अभी लहसुन को हम निकालेंगे थोड़ा सा, इतना सफिशिएंट है लहसुन। ये चेक कर लो गाइस, अभी ये मिर्ची यहाँ पे कट हो रहा है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है कुछ धनिया लाया था, धनिया और गाजर लाया था, देख लो। ये देख लो गाइस धनिया। तो आज का मैगी जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज सफिशिएंट मसाले वगैरह हमने लाए हैं, इसलिए टेस्टी भी हो जाएगा। कर लो गाइस, कैरट्स और धनिया है। तो गाइस अभी ये गाजर है, तो उसको थोड़ा सा साफ किया जा रहा है। तो गाजर भी इम्पोर्टेंट रहता है उसमें डालने के लिए। तो गाइस अभी हो रहा है हमारा जो गाजर है उसका कटिंग हो रहा है, देख लीजिएगा गाजर कैसा कट हो रहा है। तो गाइस गाजर कटिंग हो रहा है, तो मसाले भी बहुत सारे हो गए हैं, देख लो सही लग रहा है एकदम। और यहाँ पे हमारा पातेला। गाइस ये हो रहा है धनिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धनिया थोड़ा सा सूख रहा है गाइस। तो क्या करें, अभी गर्मी तो है, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी यहाँ का, तो अभी सूखना ही है वो तो। चेक कर लो गाइस, मसाले अभी धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं, देख कर लो। चेक कर लो गाइस धनिया, ठाके चलो देख लो, अभी मैक्सिमम हमारे मसाले जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो गाइज हमारे मसाले वगैरह सब रेडी हो चुके हैं। तो प्याज है, ये सॉस है, और ये हल्दी का पॉकेट, यहाँ पे थोड़ा नमक है, और ये मैगी मसाला, और भी मैगी का मसाला उसमें है, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अभी है हमारा जो चूल्हा है उसको जलाते हैं और बनाते हैं गाइज मैगी। हमारा चूल्हा जो है अभी जल रहा है, देख लीजिएगा, उसके ऊपर पातीला भी अभी चढ़ गया है। तो गाइस देख लो चूल्हा जो एकदम अभी ओके तरीके से जल रहा है। तो ऑयल है गाइस, अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, ये है ऑयल।
प्लेट आंसर प्लेट ला प्लेट प्लेट आंसर आंसर गाइस यहाँ पे एक प्लेट में मैगी सब निकाल रहे हैं और उसमें मसाला है तो मसाला भी अभी फोड़ा जाएगा। ये देख लो एक बच्चे लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं कब रेडी होता है मैगी। गाइस तो अभी इस पे जा रहा है लहसुन भी दाखो रही इकड़ा लहसुन जा रहा है गाइस जी। तो गाइस इसमें जा रहा है अभी हरी मिर्च अभी जरा गाइस उसमें प्याज स्टॉप। तो गाइस अभी इसको मिक्स कर रहे हैं हम गाइस। तो देख लो प्याज हमारा पक रहा है अभी थोड़ा सा रह गया है पकने का। मर्चाल कर लेना तो तवा हां ठीक है कर चल हां तक गिला हां। तो गाइस अभी इसमें जा रहा है कैरेट गाजर मिक्स कर तो देख लो हमारा मसाला रेडी हो रहा है देख लीजिएगा। ये जा रहा है उसमें टमाटर तो गाइस अभी इसमें जा रहा है हल्दी तो गाइस देख लो कितना कलर आ गया है मसाला एकदम पीला पीला लग रहा है अभी। ती ही मसाले तो गाइस देख लो अभी एकदम ओके हो रहा है हमारा मसाला। तो गाइस अभी जो है ये अलग से मसाला लिया था हमने ये डाल रहे हम। तो गाइस ये मसाला हमने लाया था एक्स्ट्रा तो इसमें डाल रहे हम। तो अभी थोड़ा सा एक नमक डाल रहे हैं
जितना हमको लगेगा उतना डालेंगे नमक। ये देख लो, ठीक है सर, चालू है ना? हाँ। तो गाइज अभी थोड़ा सा सॉस लाया था, इसमें डाल रहे हैं हम सॉस, टोमेटो सॉस है। तो उसमें सॉस डाला है गाइस, अभी इसमें थोड़ा सा कोथमीर डाल रहा हूँ, उसके बाद में अभी थोड़ा सा बाद में डालेंगे कोथमीर, और ये थोड़ा सा डाल रहा है इसमें अंदर। तो गाइस अभी हमारा मसाला जो है पूरा रेडी हो चुका है, ये देख लो उसके ऊपर ऑयल वील सब दिख रहा है अभी क्लियरली। तो अभी हम उसमें पानी डालने वाले हैं अभी। तो गाइस अभी इसमें हम पानी डालने वाले हैं, पकड़। तो गाइस देख लो आग कितना ज्यादा पकड़ लिया है, और हमारा मसाला भी एकदम ओके तरीके से रेडी हो चुका है। अभी हम उसमें डाल रहे हैं मैगी का मसाला। तो गाइज अभी हम मैगी का जो अंदर मसाला था वो अभी हम इसमें डाल रहे हैं, देख लीजिएगा कितना मसाला निकल गया था। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे, देख लो गाइज। तो मसाला हम पूरा मिक्स हो चुका है, अभी थोड़ी देर में हम डालेंगे इसमें मैगी। तो गाइज अभी इसमें जा रहा है मैगी का पूरे पॉकेट है वो अभी इसमें जा रहे हैं, देख लीजिएगा। तो गाइज अभी हम इसमें मैगी के पॉकेट डाल रहे हैं, देख लीजिएगा। स्टार्ट कर लेना। देख लीजिएगा इसमें पूरे ये पैकेट जा रहे हैं। तो गाइस अभी इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। गाइस तो देख लो हमारा मैगी जो है पक चुका है अभी, अभी बस एक 5 मिनट में उसको निकालेंगे, देख लीजिएगा। तो अभी हम उसको उठा के एक जगह पे लेके जाएंगे। तो गाइस हमारा मैगी जो है अभी रेडी हो चुका है पूरा, देख लीजिएगा। ये देखो मसाले पूरा फुल एंड फाइनल हमारा रेसिपी हो चुका है। अभी हम उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और कुछ बच्चे लोगों को बांटेंगे। तो हम ये उसको लेके जा रहे हैं एक जगह पे, ठीक। गाइस तो देख लो हमारा जो मैगी है कितना अच्छा दिख रहा है, और टेस्ट भी उतना ही रहेगा क्योंकि मसाले बहुत सारे डाले थे हमने उसमें।
गाइस तो मैंने जो मैगी बनाया था उसका मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं कितना अच्छा टेस्ट हुआ है। बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ है गाइस, और आपको बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।